इस वक्त सेंधवा और बड़वा से दो बड़ी खबर आ रही है। सेंधवा में जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अज्ञात महिला की मौत हो गई, वहीं बड़वा के मोरटक्का में एक असंतुलित ट्रक दुकान में जा घुसा, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया। विजय शर्मा सेंधवा से हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विजय जी, अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हुई है, कब की घटना है, क्या क्या हुआ है? जी मैं बताना चाहूंगा, ये घटना रात्रि की है। जामली के पास में हाईवे पर रात्रि अज्ञात वाहन ने अज्ञात महिला को टक्कर मारी और अज्ञात महिला की जो बॉडी थी वो जाकर जो साइड में जो चल रहे हैं बाइक सवार उनके पर जा गिरी, जिससे दो बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवारों को शासकीय हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। काफी दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। विजय जी, क्या कहना है पुलिस का, कुछ बात हो पाई आपकी? पुलिस से बात हुई, पुलिस का कहना है महिला की शिनाख्ती की में लगी हुई है पुलिस और यहाँ तक घायलों की बात है तो घायलों का उपचार जारी है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी। अब बड़वा चलते हैं, जहाँ सागर जाट जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़वा में देर रात में मोरटक्का पुल पर एक असंतुलित ट्रक एक दुकान में जा घुसा और दुकान के बाहर सोया व्यक्ति बाल बाल बचा है। सागर, क्या है पूरा मामला? जी हम बता दें, ये मामला नर्मदा पुल का है, जहाँ पे एक ट्रक एक असंतुलित ट्रक दुकान में घुस गया, जिससे दुकान में सोया व्यक्ति बाल बाल बचा। हालांकि इसमें कोई बड़ा कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही मोटरसाइकिल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी अफरातफरी मच गई थी सागर जी इस दुर्घटना के बाद में, क्या अपडेट आपके पास? हाँ, ये अफरातफरी का माहौल मच गया था। जो पुल की जो रेलिंग है वो भी टूट चुकी है, वही वाहनों के जो है जाम भी लग गया था। हालांकि पुलिस ने जाम जो है खुलवा दिया है और अभी आगे की जांच जारी है। ट्रक इतना जबरदस्त असंतुलन खोया कि पहले पुलिया की रेलिंग तोड़ी, उसके बाद दुकान में घुसा है, थोड़ी देर जाम की स्थिति भी बनी थी और अफरातफरी मच गई थी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सागर जाट जी।